गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा के दो पार्ट हम पढ़ चुके थे, क्या सोलर कुकर और सोलर जल हीटर ये कैसे काम करते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या सोलर सेल, कि सोलर सेल क्या होता है और सोलर सेल काम कैसे करता है। तो चलो देखते हैं क्या सोलर सेल को, हम सिर्फ सोलर सेल को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, सोलर सेल या सोर्स सेल, सोलर सेल है क्या। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या एक ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम, सोलर सेल। सोलर सेल किस प्रकार काम करते हैं, देखो मैक्सिमम जो सोलर सेल होते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, सिलिकॉन का ज्यादातर प्रयोग होता है इसमें सोलर सेल में। सोलर सेल की बनावट में क्या होता है, सोलर सेल ये समझ लो एक डिस्क, इस प्रकार से ये डिस्क सा होता है, ये एक सोलर सेल कुछ इस तरह से। इसकी जो ऊपर वाली परत होती है इसमें होता है सिलिकॉन और बोरॉन, और नीचे वाले में होता है सिलिकॉन तथा आर्सेनिक, ठीक। जो ऊपर वाला सिरा है यहां से एक वायर निकलती है, यहां से निकलती है प्लस माइनस इस प्रकार से, और ये दोनों ये हमें विद्युत देते हैं। अब इसको हम किसी बॉक्स में बंद कर देंगे, ट्रांसपेरेंट, कोई प्लास्टिक का कवर होगा या मेटल का कोई कवर होगा ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर इसको बंद कर देंगे, इसको बचाने के लिए। किससे भाई, बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं। कौन सी परिघटनाएं, जो वायुमंडल में होती हैं जैसे आंधी तूफान बारिश, उससे बचाने के लिए। तो ये है सौर सेल। अब सौर सेल काम कैसे करता है, जब सूर्य की धूप इस पे पड़ती है ऊपर वाली परत पे, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो चलना शुरू कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम विद्युत धारा। मतलब आवेश के चलने को ही तो विद्युत धारा बोला जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे तो वो क्या हो गया, वो आवेश का चलना ही हुआ, और इसलिए हम उसको कहेंगे विद्युत धारा। तो जैसे ही सूर्य की धूप इस पे पड़ेगी भाई, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो चलना शुरू कर देंगे और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार ये काम करता है क्या, सोलर सेल। अब एक सोलर सेल है, ये एक सोलर सेल मैंने बनाया, एक सोलर सेल जो अधिकतम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है वो विद्युत धारा सिर्फ 0.5 वोल्ट की हो सकती है। मतलब इतने विभवांतर की विद्युत धारा ये पैदा कर सकता है, कौन, एक सोलर सेल। अब ये तो हमारे किसी काम के नहीं है, मतलब ये तो बहुत कम विद्युत धारा है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे सोलर सेल एक ही जगह इकट्ठे लगाएंगे, एक पैनल में लगा देंगे हम, और वो जो पैनल बनेगा उसको बोला जाता है सोलर पैनल, ठीक है। जो आपने देखी होगी बड़ी बड़ी सी प्लेटें बहुत सारे घरों की छतों पे आजकल लगाते हैं, और फील्ड में भी हम लगाते हैं आजकल, तो वो जो प्लेट्स दिखाई देती है सौर ऊर्जा की, उसको सोलर पैनल बोला जाता है। सोलर पैनल की मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला जो सोलर पैनल अब तक बना है वो ये समझ लो 240 वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या, मतलब हमने एक पैनल बना दिया, ये पैनल बना दिया, इसका क्षेत्रफल है एक वर्ग मीटर, ठीक है, मतलब एक मीटर लंबाई है, एक मीटर चौड़ाई है, इसमें जितने भी सोलर सेल लगेंगे उनकी कुल मिला के कितनी विद्युत धारा या कितनी ऊर्जा ये दे सकते हैं, 240 वाट, ठीक है, एक मैक्सिमम। इसमें पड़ने वाली सूर्य का सोलर सेल पड़ने वाली ऊर्जा का 25% तक
विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। देखो कितना ज्यादा है, बहुत है ये 25%, ऐसी बात नहीं है। तो देखो एक एक मीटर लंबाई, एक मीटर चौड़ाई वाले पैनल ने इतनी वाट विद्युत ऊर्जा हमें दी, तो हमें लगभग मान लो 1000 वाट हमें ऊर्जा चाहिए, तो कितना लगाना पड़ेगा? तो ये 240 वाट है, 1000 लगाने के लिए लगभग 5 गुना समझ लो या 4 गुना। तो 4 गुना, तो 1 मीटर लंबी ये ऐसी ऐसी हमें फिर 4 प्लेट लगानी पड़ेंगी, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, तब जाके हमें 1000 वाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है भाई, ये होगा क्या, सोलर पैनल। अब बात ये तो होगा भाई सोलर सेल और सोलर पैनल। अब बात आती है इसके लाभ तथा हानियों की। तो सोलर सेल के क्या क्या लाभ है, देखो सोलर पैनल या सोलर सेल के क्या क्या लाभ, लाभ क्या है इसके कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, मतलब इसकी प्लेट को या सोलर पैनल को एक बार लगा दिया तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम की जाती है, मतलब इसको मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो एक बार लगा तो ये कई साल तक अपने आप रन करता है, ठीक है, एक तो ये इसका फायदा होगा भी। दूसरा जो है कि सोलर पैनल को हम ऐसी जगह पे भी लगा सकते हैं जहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा है, जो नॉर्मल विद्युत धारा जो बनाते हैं किसी हाइड्रो पावर प्लांट से या थर्मल पावर प्लांट से जो विद्युत धारा बनाई जाती है, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर उसको पहुँचाना मुश्किल होता है, तो ऐसी जगह पे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं किससे, सोलर पैनल से, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे सैटेलाइट हैं, रेडियो टेलीविजन, बहुत हद तक उनमें हम सोलर सेल का ही प्रयोग करते हैं। आजकल ट्यूबवेल जो चलते हैं खेतों में, जो पंप लगाए जाते हैं, वो सोलर सेल से ही रन कर रहे हैं। तो ये लाभ है किसके लाभ है, ये सोलर सेल के या सौर ऊर्जा के कह लो, ये लाभ हो गए सौर ऊर्जा के। अगर हम हानियां देखें इसकी, किसकी हानियां, सौर ऊर्जा की क्या क्या हानियां हैं, सोलर सेल की क्या क्या हानियां हैं, देखो सोलर सेल की सबसे बड़ी हानि ये है कि सोलर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, उच्च गुणवत्ता वाले सिलिकॉन का प्रयोग होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है उसको इंस्टॉल करने में। इसलिए सोलर पैनल को, एक सोलर पैनल को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। खर्च क्यों हुआ उसमें, क्योंकि उसमें सिलिकॉन का प्रयोग हुआ। दूसरा, सिलिकॉन को दूसरे सिलिकॉन से जोड़ने में उसमें सिल्वर मेटल का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर के तारों का, चांदी के तारों का, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो फिर कुल मिला के इनके ऊपर लागत बहुत अधिक लगती है, ये इसका मुख्य मतलब इसकी मुख्य ड्रॉबैक है, मतलब इसकी सबसे बड़ी कमी है किसकी, सोलर पैनल की। दूसरा, सोलर पैनल भी जब तक धूप चलती रहेगी तब तक ये काम करता है, धूप नहीं निकलेगी तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इसके लाभ तो बहुत सारे हो गए, वही प्रदूषण रहित है और भाई जीव प्रदूषण नहीं करता है, सीमित मात्रा नहीं है, बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ज्वासी इंधनों पर दबाव कम पड़ जाएगा, ये चीज़ें तो हम लिख ही सकते हैं। तो हानि मैंने बताई थी कि इसकी मुख्य हानि यही है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है, ठीक है। तो ये थे क्या, सोलर सेल के लाभ तथा हानियाँ। पेपर में लाभ तथा हानियाँ बहुत आती हैं, तो हम क्या डिस्कस कर चुके हैं अब तक, हम डिस्कस कर चुके हैं, देखो हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में क्या, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में हमने पढ़ना पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ये पढ़ने हैं। लास्ट वीडियो में हमने पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा में मैंने बताया था, सौर ऊर्जा में हम ये सोलर कुकर पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में, सोलर कुकर और सोलर जल हीटर पढ़ चुके थे, तो उसका बच गया था एक, क्या बच गया था, सोलर सेल, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्या, समुद्री ऊर्जा, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।